मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ये ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम में मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मोतीशाल एन मनपा माध्यमिक हिंदी शाला से पूनम शर्मा, आज इस लेक्चर में हम जो है विज्ञान विषय पर भाग दो में प्रकरण 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 2B में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो बच्चों, यहाँ जो है इस प्रकरण में, मतलब ये जो साइंस 2 में हमारा जो पाठ 1 से 5 है, उसके अंतर्गत जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 2B में जो प्रश्न आते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि सिद्धांत लिखो है, नियम है, परिभाषाएं आती हैं इसमें, और फिर टिप्पणी लिखो है, और आपको जो है इसमें कार्य लिखो भी आता है, उदाहरण दीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वो इन स्वरूप में प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आपको जो है हर तरह के प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे प्रश्न क्रमांक 2B में। उसके पहले जो प्रश्न क्रमांक 2A है वो आपका वैज्ञानिक कारण है, तो उसके बाद ये प्रश्न 2B में आपको इस तरह के जो है चीजें पूछी जाती हैं, विशेषताएं हैं, प्रभाव है, कार्य है। तो बच्चों जो है ये जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2B में, इसमें से कुछ प्रश्न जो है 1B में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, 1B में भी 1 मार्क के लिए कुछ प्रश्न जो है आते हैं। तो उनको अगर आप जो है मतलब 2 मिलाकर के पूछ लिया जाए तो वो 2B में 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो प्रश्न है हाँ इसमें, मैडम, हाँ सर, स्क्रीन थोड़ा बड़ा करके दिखाइए बच्चों को। अभी सर आके गए, वो उन्होंने बताया। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा सर, ठीक ऐसे नहीं दिख रहा है ये। है, ओके मैडम। तो बच्चों इसमें जो है ये इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 2B में जो है आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 उप प्रश्नों का मतलब 3 प्रश्नों को हल करना होता है, जिसमें आपको जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी के जो है वो कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ईवीएस पे जो पर्यावरण है आपका, पर्यावरणीय जो पर्यावरण पर आधारित जो पाठ है उस पर आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने सिर्फ पर्यावरण को ही तैयार किया, इन चैप्टर्स को ही तैयार किया, पर्यावरण वाले ईवीएस वाले चैप्टर को, तो भी आप जो है आराम से 2 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और वैसे भी जीव विज्ञान में भी आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आप अगर तैयार करते हैं साथ में तो। ओके, आगे देखते हैं हम। तो आगे देखते हैं हम, कुछ प्रश्न है यहाँ पर अनुवांशिकता, पहले पाठ से जो हमने लिए हैं अनुवांशिकता और उत्क्रांति, इसमें आपको जो है पहला प्रश्न है जो सिद्धांत कुछ है, तो वो डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। जैसे कि हमने पहले के लेक्चर में भी थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया है कि इन्होंने जो डार्विन थे, इन्होंने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उनकी किताब थी, उसके अंदर डार्विन के जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है उसमें बताया है कि जो सक्षम है वही अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। तो पर्यावरण भी उसको ही चुनता है, प्रकृति भी उसको चुनती है। तो इस प्रकार से इसमें आपको जो है 2 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 4 पॉइंट्स जो है आपको लिखना होता है। तो बच्चों 2 मार्क्स के लिए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको 4 पॉइंट्स लिखना है, 4 मुद्दे आपको वहां पर मेंशन करना है। तो कहीं पर ज्यादा मुद्दे भी दिए होते हैं, कहीं पर आपको कम भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है अपने हिसाब से उसको तोड़ करके, अगर कम मुद्दे हैं तो आपको तोड़ करके उसको 4 मुद्दे 4 पॉइंट्स में अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको मार्क्स भी आसानी से मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है, दूसरा है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद जो है उसके अंतर्गत आपको बताया गया है, उसमें भी 2 सिद्धांत दिए हुए हैं लैमार्कवाद में, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, और दूसरा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो बच्चों जो अंगों का उपयोग और अनुपयोग अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसके अंदर उन्होंने कुछ उदाहरण के माध्यम से भी इसको बताया है कि गर्दन, जिराफ जो है वो किस तरह से अपने ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अपने गर्दन को तान कर जो है उसको खाता है, तो जिसके कारण वो अपने छोटी गर्दन जो है उसकी वो लंबी हो गई। तो इस प्रकार से लोहार का एग्जाम्पल है कि दोनों भुजाएं वो लगातार काम करते करते वो मजबूत बन गए। फिर शुतुरमुर्ग है, ईमू जैसे प्राणी है जिन्होंने अपने पंखों का उपयोग न करने के कारण उनके पंख जो है वो कमजोर हो गए और उपयोगहीन हो गए आगे चलकर।
हंस और बत्तख जैसे जलीय पक्षियों ने पानी में रहकर अपने पैरों को क्या किया, तैरने योग्य बना लिया। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण दे करके आप इस प्रकार के जो सिद्धांत दिए हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले आपको उसमें सिद्धांत क्या है वो बताना पड़ता है, तो वो बताने के बाद आप कुछ उदाहरण देकर और फिर इन प्रश्नों को आप कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है परिभाषाएं हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो परिभाषा में आपको दिया हुआ है कि अनुवांशिकता प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण, उत्परिवर्तन तथा जाति। तो बच्चों हमने जो है ये जो परिभाषाएं हैं इनको हम पहले ही देख चुके हैं जब हमने फर्स्ट वन ब में और इसमें अपना डिस्कस किया था। तो उसके अंतर्गत ये जो परिभाषाएं हैं इनको आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि परिभाषाएं जो है वो आराम से आप छोटे छोटे होते हैं तो उनको आप तैयार कर सकते हो, और कुछ स्पेसिफिक ही होते हैं तो वो ज्यादातर आपने हर इसमें रिवीजन टाइम में आप देखा होगा, सभी लोगों ने बताया होगा। तो ये परिभाषाएं हैं। फिर इसके बाद अंतर स्पष्ट करो, इसमें से जो है आपको दिया है प्रतिलेखन और भाषांतरण। तो अंतर स्पष्ट करो में आपको जो है प्रतिलेखन तथा भाषांतरण है, ऐप और मानव, दूसरा है ऐप और मानव। तो प्रतिलेखन जो आपको इसमें एक पॉइंट, तो आपका प्रतिलेखन और भाषांतरण में पहला पॉइंट, कम से कम इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स लिखना है बच्चों। तो 4 पॉइंट्स में आप जो है पहला एक पॉइंट में आप अपनी परिभाषा बता सकते हो प्रतिलेखन और भाषांतरण की, वो एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में आप जो है बता सकते हो कि वो कहाँ पर होता है, तो केंद्रक में होता है प्रतिलेखन, और भाषांतरण जो है वो आपका कोशिका द्रव्य में स्थित राइबोसोम में होता है। प्रतिलेखन के समय में डीएनए से जो है आरएनए उत्पन्न होता है, और भाषांतरण में जो है आरएनए की सहायता से प्रोटीन का उत्पादन। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप जब पढ़ेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको 4 मुद्दे, 4 पॉइंट्स जो है वहां पर 2 मार्क्स के लिए प्रेजेंट करना है। फिर ऐप और मानव का भी उसी प्रकार से है कि आप उसका बता सकते हैं कि उसका मस्तिष्क का आकार कैसा होता है, ऐप में छोटा होता है, मानव में जो है बड़ा होता है, फिर वो सीधे नहीं चल सकते ऐप, मानव जो है वो सीधे चल सकते हैं, फिर ऐप जो है वो मतलब ऐप जो है वो कम बुद्धिमान होते थे और मानव जो है वो अधिक बुद्धिमान प्राणी है। तो इस प्रकार से आप कुछ पॉइंट्स जो है वहां पर 4 पॉइंट्स बनाकर आराम से आप उसको लिख सकते हो। टिप्पणी लिखो नेक्स्ट है। टिप्पणी लिखो में देखिए आपको यहाँ पर है इस पार्ट से भ्रूण विज्ञान तथा जाति उद्भवन। तो भ्रूण विज्ञान, और भ्रूण विज्ञान में आपको जो है वो डायग्राम याद होगा कि जहाँ पर बहुत सारे अपना भ्रूण का डायग्राम दिया हुआ था, जिसमें अलग अलग प्राणियों के दिए हुए थे, मानव का भी दिया हुआ था। तो उसको आपको जो है अभी तो फिलहाल उस डायग्राम को कट किया गया है, लेकिन जो है भ्रूण विज्ञान में जो है आपको यही मेंशन करना है अगर आता है तो, कि उनकी उनमें पहले प्रारंभिक अवस्था में क्या होती थी, जो कुछ समानताएं होती थी, सब एक जैसे दिखते थे, एक दूसरे के समान दिखते थे, और विकास के अगले ही चरण में जो है भ्रूणों की समानता में कमी आने लगती है, और उसके प्रारंभिक अवस्था में जो है उनके मध्य की जो समानता है वो घटने लगती है, और इससे वो जो समानता है उससे ये देखा जाता है कि पृष्ठवंशीय जो प्राणी थे, सभी पृष्ठवंशीय प्राणी एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। तो ये चीजें हमको उस भ्रूण विज्ञान का जो प्रमाण है उसके द्वारा पता चलता है। फिर नेक्स्ट है जाति उद्भवन। जाति उद्भवन में जो है, तो भ्रूण विज्ञान में भी आपको 4 मुद्दे जो है उसमें भी आपको देना है, टिप्पणी लिखो में भी, तो 4 मुद्दे उसमें भी आपके होने चाहिए। जाति उद्भवन में जो है आपको सजीवों की जो नई जाति के उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम जाति उद्भवन कहते हैं। तो पहला पॉइंट आप परिभाषा दे सकते हो, उसके बाद आप उसके बारे में बता सकते हो कि किस तरह से डार्विन ने जो है उत्क्रांति के प्रमाण को जो है प्रतिपादित किया था, तो उत्क्रांति के कारण जाति उद्भवन हुआ, और फिर प्रत्येक जाति जो है वो वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार वृद्धि करता है, उनकी प्रजनन क्षमता, उनका आहार विहार, सारी चीजें जो है वहाँ के भौगोलिक स्थिति पर जो है निर् ये उसके द्वारा उस पर निर्भर होती है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जाति उद्भवन के लिए भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय बदलाव भी जिम्मेदार होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे, इसमें भी आपको 4 मुद्दे देने हैं। प्रवाह तालिका इस स्वरूप में भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका बेस्ट है, ये आपने बार बार आपके आंखों के सामने से गया होगा कि उत्क्रांति के प्रमाण, तो उसमें बाह्य रूप की जो प्रमाण है, दूसरा है अवयवों की हड्डियों की रचना में समानता। तो अगर आप किताब उठा के देखेंगे तो आराम से आप जो है इसको
सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ये देखिए, ये मार्च 19 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर और 3 प्रमाण है, तो उसमें से आप कोई भी 2 और लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये प्रवाह तालिका, वो भी बहुत आसान होती है, जिसको आप आराम से आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रांति में शरीर रचना विज्ञान संबंधी प्रमाणों का महत्व उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको जुलाई 19 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। उत्क्रांति में शरीर रचना विज्ञान संबंधी, तो ये जब अगर आप ये तैयार करते हो, क्वेश्चंस तैयार करते हो, तो आप ध्यान रखिए कि आपके साथ साथ ही प्रवाह तालिका भी आप तैयार कर लोगे। और अगर वो आपको मालूम है तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। यहाँ पर आपको शरीर रचना संबंधी जो प्रमाण है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसको आपको उदाहरण दे करके आपको स्पष्ट करना है। फिर नेक्स्ट है, डार्विनवाद के विरुद्ध कौन सी आपत्तियां उठाई गई। तो जो डार्विन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके 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 जो वीक पॉइंट्स है, जो भी उसके विरुद्ध जो मतलब उस पर जो आपत्तियां उठाई गई या उस पर जो विरोध प्रदर्शित किया गया, उसको जो है आपको वहां पर मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अभी आगे हम देखते हैं सेकेंड चैप्टर दूसरा जो ओके, इसी में इस तरह के देखिए ये प्रश्न आते हैं 2 ब में, प्रश्न 2 ब में। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कोई 3। तो आपको 5 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से कोई 3 लिखना है। तो मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर लिया हुआ है जो हमारे 1 से 5 के अंतर्गत है। तो इसमें देखिए, ये जो पहला है आकृति को, तो इस प्रकार से आपको आकृति दे करके आपको पूछ सकते हैं कि इस आकृति को पहले आपको नाम लिखना है उसका, और उसके बाद उस पर आपको टिप्पणी लिखना है जो भी है वो। तो अब ये जो आकृति आपको दिख रही है बच्चों, आप समझ गए होंगे, ये कुछ जीवाश्म, तो ये आपको ये जो आकृति है वो जीवाश्मों के संबंध में जीवाश्म का ज्ञान दिला रहा है। तो आपको यहाँ पर पहले उसका क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित आकृति क्या प्रदर्शित करती है, तो आपको कुछ जीवाश्म इस तरह से उसका आंसर देना है कि यह आकृति हमको कुछ जीवाश्म के जीवाश्म प्रदर्शित कर रही है, और इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो जीवाश्म संबंधी जो प्रमाण है आपको, उस जीवाश्म विज्ञान संबंधी जो प्रमाण है उस पर आपको टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें दूसरा दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में ABCD और E क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आपको इस तरह से डायग्राम दिया होगा, तो ऐसे प्रश्न जो रहते हैं वो बहुत आसान होते हैं बच्चों, तो इनको आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। ये जो प्रश्न है नीचे, ये आपको दिया हुआ है गुणसूत्र का, जिसमें कि आपको बताना है कि ए जो है क्या है, बी क्या है। तो वो आपको पूरे लेबलिंग पता होना चाहिए उसका, कि आपको नाम किस तरह से लिखना है। तो ए जो है वो आपका क्या है, ए गुणसूत्र भुजाएं हैं, गुणसूत्र की भुजाएं। बी जो है वो आपकी पी भुजा है। सी जो है गुणसूत्र बिंदु है। फिर उसके बाद डी जो है आपका वो क्या है, क्यू भुजा है। और ई जो है आपका डीएनए है। तो इस प्रकार से आपको कुछ, अगर डायग्राम आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तो आप इस प्रकार के आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आंसर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरा पार्ट से। दूसरे पार्ट में आपको जो परिभाषाएं दी है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि कोशिकीय स्तर का श्वसन। कोशिकीय स्तर का श्वसन जो है उसमें बच्चों, आपको कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है ग्लूकोज तथा खाद्य पदार्थों के अन्य घटकों का, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में भी ये श्वसन जो है हो सकता है, तो उसे हम कोशिकीय स्तर का श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सी श्वसन परिभाषा है। तो ऑक्सी श्वसन में जो है आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कोशिकीय स्तर का श्वसन होता है उसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। फिर उसके बाद है किण्वन। किण्वन में जो है आपको ग्लूकोज के विघटन के बाद में जो पाइरूविक अम्ल मिलता है, उस पर प्रकीर्णों की सहायता से जब प्रक्रिया होती है तो कार्बनिक अम्ल और अल्कोहल प्राप्त होते हैं। कार्बनिक अम्ल बनता है या तो फिर फैटी एसिड या तो फिर आपका जो है अल्कोहल तैयार होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपने, ये अगर आप तैयार करते हो तो आपको परिभाषा भी हो जाती है, साथ ही साथ आपको जो है अंतर स्पष्ट करो में भी आ सकता है, या फिर आपको ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, ग्लूकोज का विघटन, ठीक है। तो आप तीनों तरह के क्वेश्चन तैयार कर लोगे अगर ये आप याद करते हो। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो है आपको क्या होता है कि कोशिका में होने वाली प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज के अणु का विघटन यानी कि जो ऑक्सीकरण है होने पर आपको पाइरूविक अम्ल मिलता है, ATP मिलता है, NADH2 मिलता है तथा पानी के दो दो अणु बनते हैं।
तो ये प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर स्पष्ट करो। अंतर स्पष्ट करो में बच्चों आपको यहाँ पर दिया है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र में जो है आपको चार पॉइंट्स यहाँ पर भी लिखना है आपको। तो इसमें आप बता सकते हो कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, क्रेब जो है चक्र ये आपको तंतु कणिका में होता है। तो कुछ पॉइंट्स जो है आप अगर उसके की वर्ड्स याद रखते हो तो आप आराम से सेंटेंस बना के उन मुद्दों को आप बता सकते हो, लिख सकते हो। फिर उसके बाद ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में क्या बन रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज के एक अणु का विघटन होता है तो आपको पाइरुविक अम्ल बनता है, एटीपी बनता है, NADH2 और पानी के दो दो अणु तैयार होते हैं। जबकि क्रेब चक्र में जो है आपको एसिटिल को एंजाइम ए के अणु में से एसिटिल का जो है पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है और जिसके अंतर्गत आपको CO2, H2O, NADH2 और FADH2 तथा ATP के अणु प्राप्त होते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों में ही होती है, और क्रेब चक्र जो है उसकी प्रक्रिया केवल ऑक्सीश्वसन में होती है। तो कुछ इस तरह से आप जो है कुछ पॉइंट्स, कुछ सिमिलरिटी, कुछ डिसिमिलरिटी जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो वो जो है आपको कीवर्ड्स अगर ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से अंतर स्पष्ट करो बता सकते हो। उसी प्रकार से ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन जो है ये भी इस प्रकार का अंतर भी आता है, तो उसमें आप आराम से बता सकते हो। ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सीश्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया है वो केंद्र को कोशिका द्रव्य में होती है, अनऑक्सीश्वसन केवल कोशिका द्रव्य में होती है। ऑक्सीश्वसन के अंत में आपको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है, और अनऑक्सीश्वसन में आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल मिलता है या इथेनॉल मिलता है। तो इस प्रकार से आप जो है मुद्दे वहां पर दे सकते हैं। तो कम से कम उसमें ज्यादा पॉइंट्स है, आपको जो है चार पॉइंट्स लिखना होता है, तो आप चार पॉइंट्स मतलब कुछ अगर एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी याद करेंगे तो आपको अगर एग्जाम में कुछ भूल भी गए तो आपको चार पॉइंट्स कम से कम याद, तो उस तरह से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है टिप्पणी लिखो। टिप्पणी लिखो में आपको जो है स्निग्ध अम्ल है और उनके कार्य है, तो और क्रेब चक्र पे है टिप्पणी लिखो। तो यहाँ पर स्निग्ध अम्ल जो है और उनके कार्य, तो आपको पहले स्निग्ध अम्ल बताना है कि क्या है। तो स्निग्ध अम्ल जो है वो वसा का एक घटक होता है। जब आहार में जो हम सेवन करते हैं तो वसा का जो पाचन होता है तब वसा अम्ल तथा अल्कोहल जो है वो बनता है। तो वसा अम्ल और अल्कोहल एक दूसरे के क्या होते हैं, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वसा अम्ल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है पाचन के पश्चात जो है। तो उसके बारे में आप बताइए वसा अम्ल के बारे में, कि वसा अम्ल जो है वो रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है तथा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो वसा अम्ल का उपयोग करके जो है भिन्न भिन्न जो हमारी कोशिकाएं होती है स्वयं के आवश्यक स्वयं के लिए जो है पदार्थ तैयार करती हैं, जैसे कि जीव द्रव्य कला है फॉस्फोलिपिड में उत्पन्न होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ये जो हमारे महत्वपूर्ण जो संप्रेरक है वो भी वसा अम्ल से उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतु के चारों ओर जो है फैला हुआ जो आवरण होता है वो भी वसा अम्ल से बना होता है। तो इस प्रकार से जो है आप थोड़े से पॉइंट्स आप उसमें से की पॉइंट्स जो है वो याद करके, कीवर्ड्स याद करके आप जो है अपना पॉइंट्स तैयार कर सकते हो, तो उस तरह से आप तैयारी कीजिए। फिर क्रेब चक्र है कि क्रेब चक्र जो है अगर आपको अंतर स्पष्ट करने आ रहा है वहां पर आपको पॉइंट्स पता है तो आप यहाँ पर टिप्पणी भी आराम से लिख सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद कार्य लिखो भी आता है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो जिसमें तंतु कणिका है वो कणिका हो गया है, कणिका है। तो तंतु कणिका जो है इस पर आपको जो है कार्य लिखने के लिए, उसके कार्य लिखने के लिए आ सकता है। तंतु कणिका के कार्य लिखिए और ATP के कार्य लिखिए। तो तंतु कणिका जो है वो एक पावर हाउस के रूप में हम जानते हैं कि वो जो है एक ऊर्जा का स्रोत, मतलब वहां पर ऊर्जा तैयार होती है। तो ये क्या होता है कि तंतु कणिका जो है उसमें कोशिकीय श्वसन में भाग लेना, ये क्या करता है तंतु कणिका, ये कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है जहां पर क्रेब चक्र जो है हमारा हो रहा है, क्रेब साइकिल जो है हमारा तंतु कणिका में ही होता है। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया भी पूर्ण करता है। तो ऐसे कुछ आपको कार्य, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, 2 मार्क्स के लिए आपको बस उसका एक कार्य लिखना है तंतु कणिका का।
एक दो जो भी है, और एटीपी जो है उसमें आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की एक चलन है, ऊर्जा का चलन है, और ऊर्जा के आवश्यकता अनुसार एटीपी में स्थित जो फॉस्फेट अणु केंद्र रासायनिक बंध को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये एटीपी जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, तो उसका आपको बस कार्य लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न है कुछ, तो उसमें आपको देखो यहाँ दिया हुआ है कि लिखो कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थ जो है वो खाद्य पदार्थों के पाचन के पश्चात किस स्वरूप में उसका रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कि दूध, आलू और तेल तथा रोटी, तो ये चार जो है आपको दिए हुए हैं ए बी सी डी करके, तो आपको समझिए कि हाफ हाफ मार्क करके आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो खाद्य पदार्थों के पाचन के पश्चात इसका किस स्वरूप में रूपांतरण होता है, तो दूध का जो है वो किस स्वरूप में रूपांतरण होता है वो आपको बताना है। तो दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, तो उससे सॉरी लैक्टोज होता है, तो उसका जो है लैक्टिक अम्ल में बाद में रूपांतरण होता है। आलू में क्या होता है, तो उसमें आपको स्टार्च जो होता है उसका रूपांतरण किस में होता है, तो उस प्रकार से आपको वो चीजें वहां पर इस क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट है कुछ सजीवों को अनाक्सी श्वसन क्यों करना पड़ता है, तो जब उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है या ऑक्सीजन उस समय कम होता है या नहीं उपलब्ध होता है तब वो अनाक्सी श्वसन करते हैं, तो उसका आंसर उस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है जीवन सत्वों के मुख्य प्रकार लिखिए, तो ये भी आपको जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो जीवन सत्व के मुख्य प्रकार जो है वो आपको लिखना है, यहाँ पर जीवन सत्व कितने प्रकार के होते हैं वो सारे प्रकार आपको लिखना है, तो ए बी सी डी ई और के, ठीक है। फिर पानी में घुलनशील जीवन सत्व के नाम लिखे, तो पानी में घुलनशील बी और सी होते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है वसा में घुलनशील जीवन सत्व के नाम लिखिए, तो वसा में फैट में जो घुलनशील जीवन सत्व होते हैं उनके नाम लिखना है आपको। तो इस प्रकार से जो है आपको इस तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो कि शॉर्ट होते हैं, और ये प्रश्न आपको जुलाई 2019 में पूछे गए हैं, तीनों प्रश्न जो नीचे मेंशन किया हुआ है। आगे देखेंगे हम तीसरे पार्ट का, तो सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग दो, जिसमें आपको परिभाषा है पूछी गई है मुकुलन, खंडी भवन, पुनर्जनन, शाकीय प्रजनन, निषेचन और पुष्पाधार। तो बच्चों यहाँ पर आपको मुकुलन जो है वो दो दो प्रकार से होता है, एक कीड़वों में होता है यानी कि ईस्ट में, और एक जो मुकुलन है वो आपको हाइड्रा में होता है। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए, दोनों के शरीर में वही होता है, सेम प्रक्रिया होती है कि उभार उत्पन्न होता है और फिर वो आगे चल के जो है अपना स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो अपने जनक कोशिका से डिटैच होके अलग होकर वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। फिर नेक्स्ट है खंडी भवन, खंडी भवन में उनके शरीर के क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको विभाजित किया जाता है, तो जो प्रत्येक टुकड़ा होता है खंड होता है वो नवजात सजीव के रूप में अपना जीवन यापन करता है। फिर पुनर्जनन में क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की उनके अंदर कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा जो है वो उनके शरीर के जो दो टुकड़े होते हैं या जितने भी टुकड़े हों तो उससे बचा हुआ उनके शरीर का जो उस टुकड़े से बचे हुए शरीर का नया भाग तैयार हो जाता है, तो इस प्रकार से वो नया प्राणी जो है वो निर्मित होता है। फिर शाकीय प्रजनन में जड़, तना, पत्ती और मुकुल, इस प्रकार के जो शाकीय अंग होते हैं उनका उपयोग करके प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है उसे शाकीय प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है निषेचन, निषेचन जो है उसमें फलन, इसका मतलब फलन भी होता है, तो स्त्री युग्मक और पुयुग्मक जो ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं उसमें जब संयोग होकर एक द्विगणित युग्मनज का निर्माण होता है या जाइगोट का जो निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं या फलन कहते हैं। नेक्स्ट है पुष्पाधार, तो पुष्पाधार क्या होता है, तो पुष्प के जो आधार के लिए उसके सपोर्ट के लिए जो नीचे एक वृंत होता है, गांठ जैसा होता है, उस वृंत को हम क्या कहते हैं, पुष्पाधार कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिभाषा। अंतर स्पष्ट करो में आपको कुछ प्रश्न आते हैं कि अंतर स्पष्ट करो द्विविभाजन और बहुविभाजन के बीच में, तो इसमें जो है द्विविभाजन बहुविभाजन अगर आपने अमीबा और उसका अमीबा पढ़ा होगा अच्छी तरह से, अमीबा में अलैंगिक प्रजनन, तो आपको आराम से आप आंसर कर सकते हो द्विविभाजन और बहुविभाजन के मुद्दों को। तो इसमें जो है द्विविभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो आपका अमीबा इसमें
दो विभागों में दो नए जो डॉटर सेल तैयार होते हैं द्विभाजन होकर, और उसमें जो है ये अक्ष क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर हो सकता है, बहुविभाजन में कोई अक्ष नहीं होता है, और सजीव जो है वो एक ही समय में अनेक सजीव निर्मित होते हैं बहुविभाजन में, जबकि द्विविभाजन में दो ही सजीव निर्मित होते हैं, और ये कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक का विभाजन होता है इसमें। जैसे अमीबा को अगर ले हम, तो द्विविभाजन में उसकी कोशिका द्रव्य और केंद्रक का विभाजन होता है, और बहुविभाजन में जो है सर्वप्रथम केवल केंद्रक का विभाजन होता है और आरंभ में जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम और भी पॉइंट है उसमें जिसको आप बता सकते हो कि द्विभाजन में जो है कोई भी पुटी नहीं तैयार होती है, संरक्षण पुटी आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुविभाजन में आपको एक कठोर जो है संरक्षक आवरण तैयार होता है उसको पुटी कहते हैं, तो वो पुटी का निर्माण होता है बहुविभाजन में, जबकि द्विभाजन में कोई पुटी वगैरह नहीं होती है। ये जो है द्विभाजन वो अनुकूल परिस्थितियों में होती है, जबकि बहुविभाजन जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है तब ये विभाजन। तो नेक्स्ट है मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान और मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान। तो इसमें बच्चों मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान जो है उसके अंदर ये अभी शायद थोड़ा सा इसमें कट किया गया है ये पोर्शन, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मानवीय जो पुरुष प्रजनन संस्थान होते हैं तो उसमें आपको बताना है कि वृषण कहाँ होता है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, और स्त्री प्रजनन संस्थान में जो है सभी अंग उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। फिर उसके बाद ये जो प्रजनन है इसमें मूत्र जनन नलिका एक ही होती है मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान में, जिसके द्वारा वीर्य और मूत्र दोनों ही एक ही जगह से उत्सर्जित होते हैं, जबकि मूत्र नलिका तथा योनि जो है वो दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान में। तो आपको जो है पुरुष प्रजनन संस्थान मृत्यु तक कार्यक्षम बना रहता है, जबकि स्त्री प्रजनन संस्थान जो है वो रजोनिवृत्ति यानी कि जो मासिक धर्म होता है उनका तब तक ही, जब जब तक वो रजोनिवृत्ति यानी कि क्या, जब उनका मासिक धर्म समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद की जो स्थिति होती है उसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पर 4 पॉइंट्स मेंशन करके आराम से आप अंतर स्पष्ट करो बता सकते हैं। नेक्स्ट है टिप्पणी लिखो में बीजांकुरण है, तो टिप्पणी लिखो में आपको जो है बीजांकुरण के ऊपर टिप्पणी लिखो है यहाँ पर इस पद से आता है, और उसमें आप जो है बता सकते हो बीजांकुरण में कि किस तरह से आकृति के द्वारा आप समझा सकते हो, वहां पर एक आकृति भी दी हुई है कि किस तरह से बीज जो है वो बढ़ता है, तो उसमें अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे उसमें से पत्तियां जड़ जो है उसकी तैयार होती है, तो वो आप आकृति अगर आपको पता होगा तो आकृति के साथ में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो उसका अर्थ होता है कि बीज के अंकुरित होने पर उसमें एक नया पौधा जो तैयार होता है उसको हम बीजांकुरण कहते हैं, और फिर उसके बाद में उसमें आप बता सकते हो कि किस तरह से फलन के बाद जो है बीजांड का रूपांतरण बीज में और अंडाशय का रूपांतरण जो है वो फल में होता है, तो वो आपको वहां पर बताना है। नेक्स्ट है कार्य लिखो है, कार्य लिखो में आपको जो है बीजाणुधानी है, बाह्य दलपुंज है, इनके कार्य आपको लिखना है। तो अगर आपने ये सब पढ़ा होगा पुष्प का और इसका अपना मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान और स्त्री प्रजनन संस्थान, तो आप आराम से इन जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं उनके जो भाग होते हैं अंगों के उसको आप आराम से उनके कार्य लिख सकते हो। तो कार्य का पूरा एक चार्ट भी दिया हुआ है, तो उधर से आप पूरे कार्य जो है लिख सकते हो। तो बीजाणुधानी है उसमें बाह्य दलपुंज है पुमंग है जायांग है भ्रूण कोश है वृषण है वृषण कोश है शुक्राशय है शिश्न है अंडाशय है गर्भाशय अंडनलिका योनि और अपरा। तो इस प्रकार से इन सभी के आपको क्या करना है कार्य लिखना है। नेक्स्ट है कुछ प्रश्न है, तो रोटी या ब्रेड के टुकड़े को 2 से 3 दिन अगर हम नमी युक्त पदार्थ में रखते हैं, या आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने खुद भी आपके घरों में जो है ऐसी चीजें होती होंगी कि कभी अगर भूल से एक दो रोटी अगर आपकी छूट गई है और आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आपको उधर नमी युक्त अगर ठंडी का मौसम है तो आप देख सकते हो कि नमी के कारण क्या होता है उस पर फंगस लग जाते हैं। तो वही आपको पूछा गया है यहाँ पर कि पदार्थ रखने पर होने वाले परिवर्तन तथा क्या परिवर्तन हो रहा है, और उस सजीव का नाम लिखने के लिए बोला गया है और लक्षण लिखिए। तो आपको उस सजीव का नाम भी लिखना है, तो क्या होता है वो म्यूकर होता है, क्या होता है म्यूकर होता है, और उसके लक्षण आपको लिखना है, तो उसके जो भी लक्षण है वो आपको लिखना है कि वो किस तरह से उसमें बीजाणुधानी होती है क्या होता है वो सब आपको उसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। और परिवर्तन क्या होते हैं वो आपको बताना है कि आप क्या उसमें नोटिस किया है, आप क्या देखा है।
फिर नेक्स्ट है आकृति की सहायता से अमीबा के बहुविभाजन पद्धति से होने वाले बहुविभाजन पद्धति बोल रहा है यहाँ पर, तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। बहुविभाजन यानी कि वो जो कुटी जो डेवलप होती है उसके संरक्षक, एक कठोर संरक्षण आवरण जो है अनुकूल परिस्थिति में वो डेवलप करता है, विकसित करता है, और उससे वो अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है, तो वो आपको आकृति की सहायता से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसमें आपको आकृति बनाकर उस चीज को एक्सप्लेन करना है, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको जो पूरा वो उन शब्दों में करना है कि जिससे आपका पूरा जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर उसमें आ जाए। फिर नेक्स्ट है, चौथा पार्ट है पर्यावरणीय व्यवस्थापन, जिसके अंतर्गत आपको जो परिभाषा पूछी जाती है वो है परिसंस्था, फिर उसके बाद है जैव विविधता, संकटग्रस्त प्रजाति, संवेदनशील प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति और अनिश्चित प्रजाति। तो बच्चे यहाँ पर ये जो परिभाषाएं हैं ये आपको जो है, ये आपको जो है यहाँ पर उसको ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें परिभाषाएं पूछ सकता है। परिसंस्था आपका क्या है, ये किसी भी वातावरण या पर्यावरण में विद्यमान जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनके परस्पर, उनके बीच में जो आंतर क्रिया होती रहती है, इन आंतर क्रियाओं को जिस संतुलित संस्था का, इन आंतर क्रियाओं से जो संतुलित एक संस्था तैयार होती है उसे ही हम परिसंस्था कहते हैं। जैव विविधता यानी कि जो प्रकृति में निवास कर रहे जो विविध प्रकार के जो सजीव होते हैं उनकी समृद्धि को ही हम जैव विविधता कहते हैं। और संकटग्रस्त प्रजाति यानी कि ये तो बहुत आसान है, इसको आप आराम से समझ सकते हो कि संकटग्रस्त यानी कि क्या, कि जो सजीव आने वाले समय में संपूर्णतः नष्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है, और इनकी संस्था जो है अत्यंत कम, संख्या जो है वो कम हो गई है, तो ऐसी प्रजाति को हम संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। संवेदनशील प्रजाति में क्या होता है कि ये बहुत ही संख्या में बहुत कम है और इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, तो ये मे भी ये क्या भविष्य में जो है संकटग्रस्त होने की इनकी संभावना है, तो ऐसी प्रजातियों को हम संवेदनशील प्रजाति कहते हैं। और दुर्लभ प्रजाति में क्या है कि जिस प्रजाति में सजीवों की जो संख्या है बहुत कम है और विशिष्ट स्थान पर, तथा वो क्या करते हैं विशिष्ट स्थान पर जो है वो निवास करने के कारण शीघ्र ही लुप्त होने के कगार पर हैं, तो ऐसे जो प्रजातियां होती हैं उन्हें दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अनिश्चित प्रजाति। अनिश्चित प्रजाति में क्या होता है कि ये प्रजातियों के बारे में ऐसा आभास होता है कि वे संकटग्रस्त प्रजाति हैं लेकिन उनकी कुछ आदतें होती है जैसे कि डरपोक होना, तो ये जो उनकी आदतों के कारण ऐसी प्रजातियां जो है उनके बारे में कोई विशिष्ट हमको जो है जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो ऐसी प्रजातियों को हम अनिश्चित प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट है टिप्पणी लिखो। टिप्पणी लिखो में बच्चों आपको है जैव विविधता तथा प्रदूषण नियंत्रण का महत्व, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि चार चार पॉइंट जो है आपको टिप्पणी लिखो और जो प्रश्नों के उत्तर है उनको भी आपको चार पॉइंट्स उसमें आपके होने चाहिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, नीचे दी गई भोजन श्रृंखला को उचित क्रम में पुनः लिखिए, तो भोजन श्रृंखला किस परिसंस्था की है उस परिसंस्था का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका दूसरा भी दिया हुआ है कि, या तो फिर दूसरे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नीचे दी गई भोजन श्रृंखला को उचित क्रम में लिखो, तो उसमें आपको टिड्डा, फिर सांप, फिर धान की खेती, बाज और मेंढक, तो एक प्रश्न आपको बहुत ही फैमिलियर होंगे, आपने ये प्रश्न देखा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से आपको उसका आंसर देना है, तो उसको क्रम में पहले लिखना है, आपको नीचे दिए भोजन श्रृंखला को उचित क्रम में लिखना है कि उसका क्रम आगे पीछे दिया होगा तो उसको आपको सही क्रम में लिखकर, और फिर उसके बाद में उस परिसंस्था का ऊपर जो दिया है कि किस परिसंस्था की है और उस परिसंस्था का क्या वर्णन करना है आपको, तो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण पर विजय संपादन करना या प्राप्त करना यह पर्यावरणीय व्यवस्थापन का प्रभावी माध्यम है, अथवा उसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रदूषण की समस्या को हल करना पर्यावरणीय व्यवस्थापन का एक प्रभावशाली मार्ग है, तो इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछना जो है आंसर एक ही होगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, तो ये जो है इसके आंसर्स जो है आपको कोशिश करना है, आपको कोशिश नहीं आपको चार पॉइंट्स वहां पर देना ही है, चार पॉइंट्स में इसका आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम
आगे ये कुछ प्रश्न दिए हैं कि निरीक्षण कीजिए तथा जानकारी लिखिए, तो 2 मार्क्स के लिए भी है कि आपके आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण कीजिए तथा नीचे दी गई प्रवाह तालिका, तो प्रवाह तालिका तालिका वाला जो क्वेश्चन आता है वो बच्चों बहुत आसान होता है, जिसमें कि आपको आप स्पेसिफिकली उसको अच्छी तरह से याद रख सकते हो। पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक है, तो इसमें आपको 2 घटक दिए हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। उसके नीचे जो बॉक्स है ना वो खाली होगा, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो अधोरेखित जो लाइन ड्रॉ किया है वो आंसर आपको, वो आंसर है आपका। तो आपको ये एक्सपेक्टेड आंसर है जो आपको वहां लिखना है। तो भूकंप है प्राकृतिक घटनाओं में, आप समझ कर भी इसको याद करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, आप समझ कर आराम से लिख सकते हो। प्राकृतिक जो घटक हैं पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले वो क्या क्या हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, अतिवृष्टि है, बादल फटना है, दावानल है, अकाल है, चक्रवाती तूफान, चक्रवाती बादल है, सुनामी है। और मानव निर्मित जो घटक है वो भी आप आराम से जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, जंगल की कटाई है, हवा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, रास्ता है, पुल बांध, इमारतों को बनाना, आतंकवाद इत्यादि जो है ये पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले मानव निर्मित घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत ए तथा बी का अर्थ स्पष्ट करो। तो इसमें बच्चों देखिए ये संकेत कुछ दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मस्ट है, मतलब आते ही आते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, संकेतों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उसका मतलब क्या होता है, उस संकेत वो संकेत जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जो पहला है साइकिल जो दिया हुआ है, तो वो आपको हरित ऊर्जा का संकेत दे रहा है कि ये हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा की बचत होती है साइकिल का इस्तेमाल करने से, तो आपको वो बताना है। और दूसरा जो डायग्राम है बी वाला, उसमें आपको ये भी हरित ऊर्जा का ही प्रमाण दे रहा है, जिसमें कि आपको सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में बताई जा रही है, जो कि पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोत है, जिससे कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको ये जो संकेत है उनको भी आप अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आते ही आते हैं, हमेशा होते हैं प्रश्न पत्र में। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 5वां पाठ हमारा हरित ऊर्जा की दिशा में, तो जिसमें आपको परिभाषा जो दी है वो इस प्रकार से है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और नाभिकीय विखंडन। तो इसमें आपको विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसमें आपको क्या है कि जिस प्रक्रिया में चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत वाहक चालक जो है उसको घुमाकर और विद्युत विभवांतर का निर्माण किया जाता है, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन जो है तो उसमें क्या होता है कि केंद्रक में होने वाली विखंडन की जो प्रक्रिया होती है, परमाणु के केंद्रक में जो विखंडन की प्रक्रिया होती है, अथवा रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं, किरणें जो होती हैं उसमें से जो निकलती है, पदार्थों से जो किरणें निकलती हैं उसके प्राकृतिक उत्सर्जन के कारण परमाणु के केंद्रक में जो विखंडन होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। फिर उसके बाद अंतर स्पष्ट करो है, उसमें है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत व अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो इसमें आप आराम से इसको कर सकते हो, पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत को, जिसमें कि आपको कीवर्ड्स अगर ध्यान रखते हो तो आराम से सेंटेंस बना सकते हो के पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो रहते हैं वो प्रदूषणकारी होते हैं, जिसमें कि कार्बन कणों का निर्माण होता है, उत्सर्जन होता है, और अपारंपरिक जो है उसमें प्रदूषणकारी नहीं होते हैं ऊर्जा स्रोत, ये जो है इसमें कार्बन कणों का उत्सर्जन नहीं होता है इसलिए ये प्रदूषणकारी नहीं होते हैं। फिर उसके बाद पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत होते हैं वो पर्यावरण स्नेही होते हैं, ये अपारंपरिक वाले जो है वो पर्यावरण स्नेही ऊर्जा स्रोत पारंपरिक वाले पर्यावरण स्नेही ऊर्जा स्रोत नहीं होते हैं, ठीक है, और अपारंपरिक वाले जो है वो पर्यावरण स्नेही ऊर्जा स्रोत होते हैं। तो मतलब कि इसका मतलब है कि वो पर्यावरण को नुकसान, अपारंपरिक वाले पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जबकि पारंपरिक वाले पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि उसमें कार्बन कणों का उत्सर्जन होता है। फिर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से निर्मित किया गया जो ईंधन होता है वो बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि उसके स्रोत जो है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, और जो अपारंपरिक है वो आपको सस्ता होता है क्योंकि वो हमेशा फ्री फंड में आपको मिलता रहता है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, हवा, सन, ये सब आपको फ्री में ही है, तो आप उसका इस्तेमाल सही ढंग से इस्तेमाल करके उसको, उन ऊर्जा स्रोतों को आप इस्तेमाल कर सकते हो।
और इसमें जो है पारंपरिक वाले में कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस गैस जो है वो जमीन से खुदाई करके निकाली जाती है, तो उसको बनने के लिए लाखों वर्ष का समय लगता है। तो इसलिए आपको वो आसानी, अगर एक बार खत्म हो गया तो आपको फिर और लाखों वर्षों तक इस्तेमाल उसको रुकना पड़ेगा उसके लिए। फिर नेक्स्ट है, पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है वो अनूतनीकरण क्षम होते हैं, और जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो नूतनीकरण क्षम ऊर्जा स्रोत होते हैं। तो इस प्रकार से आप 4 पॉइंट वहां पर लिख सकते हो। टिप्पणी लिखो में है आपका लेक टैपिंग और विद्युत निर्मिति और पर्यावरण। तो इसमें देखिए, लेक टैपिंग जो है उसमें आपको क्या होता है कि किसी झील या बड़े जलाशय की तलहटी में खुदाई करके उसके नीचे से सुरंग बनाना, और बारूद को सावधानी पूर्वक झील या जलाशय की तलहटी में लगाया जाता है, और जलाशय की तलहटी में विस्फोट करने पर सुरंग से पानी अधिक वेग से बहता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जब वो बम लगाते हैं नीचे बारूद को, तो फिर वो धमाका होता है, तो उसके बाद वहां पर जो है विस्फोट होने के बाद सुरंग जो है तैयार होती है, पानी उसमें से जो पानी होता है वो पानी बहुत ही तेजी के साथ बाहर आता है। तो जलाशय की सुरंग से बहता हुआ पानी जल विद्युत केंद्र में ले जाया जाता है, और इस पानी के उपयोग से अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये लेक टैपिंग में ऐसी प्रक्रिया होती है। तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान है, मतलब उसको जब आप पढ़ोगे तो आप खुद ही माइंड में आ जाएगा कि अरे लेक टैपिंग ये कैसा अलग सा एक नाम है, तो उसमें आपको क्या होता है वो आपको खुद ही इंटरेस्ट होगा जानने के लिए। फिर नेक्स्ट है विद्युत निर्मिति और पर्यावरण। विद्युत निर्मिति और पर्यावरण में जो है आपको जीवाश्म ईंधन तथा परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके की गई विद्युत निर्मिति पर्यावरण के लिए जो है घातक सिद्ध हो सकती है। अगर आप जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो तो वो नुकसानदायक हो सकता है, और इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने पर पर्यावरण पर इसका क्या होता है, कुप्रभाव पड़ता है। तो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से हवा प्रदूषित होती है, ईंधनों के अपूर्ण दहन से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और जो कि बहुत ही जहरीला होता है, हानिकारक होता है, और जीवाश्म ईंधनों का जो भंडार होता है वो भी सीमित होता है, और जीवाश्म ईंधन का निर्माण होने के लिए आपको लाखों वर्ष का समय लगता है। तो वो सब पॉइंट्स आप बताओगे। फिर उसके बाद परमाणु ऊर्जा पर जो आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र से उत्पन्न होने वाले जो परमाणविक जो कचरे निकलते हैं वो एक जटिल समस्या है हमारे सामने, कि उसका निष्कासन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो अगर हमारी जो बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के लिए, अगर पर्यावरण स्नेही ऊर्जा निर्माण की विभिन्न पद्धतियों का हम अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत आगे चल के जो है भविष्य में पर्यावरण को भी हम बचा सकते हैं, और साथ ही साथ हम ईंधन को भी बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है ये टिप्पणी लिखो में 4 मुद्दे जो है वहां पर मेंशन करना है। नेक्स्ट है प्रश्न, हरित ऊर्जा क्या है, और कौन सा ऊर्जा स्रोत हरित ऊर्जा स्रोत है, और क्यों, और हरित ऊर्जा के उदाहरण लिखिए या दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हरित ऊर्जा आपको बतानी है। हरित ऊर्जा क्या है, तो आपको परिभाषा अगर है उसकी परिभाषा पहले लिखोगे आप हरित ऊर्जा क्या है, उसके बाद उसको जो है उसके ऊर्जा स्रोत बताओगे कि कौन कौन सी जो है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि साइकिल है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हरित ऊर्जा स्रोत हैं। तो और उसका इस्तेमाल जो है क्यों वो हरित ऊर्जा स्रोत हैं, और क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध होते हैं और उसके लिए वो सस्ते होते हैं, उनके लिए हमको कोई एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता है, और हरित ऊर्जा के कुछ उदाहरण आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि हरित ऊर्जा के कुछ उदाहरण आपको बताने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ। 1 से 5 पार्ट तक के जो क्वेश्चंस थे, तो अभी थोड़ा सा जो है थोड़े से हम कृति पत्रिका से कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा आप एक नजर देखेंगे हम। देखिए इस प्रकार ये प्रश्न ब में जो है, 2 ब में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ मतलब ये कृति पत्रिका में दिए हुए हैं, तो इसको आप देखिए। पहला जो है दिया है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के परिणाम, तो रेडियोधर्मी जो है ये प्रदूषण को कैंसिल किया गया है, तो बस एक नजर देख लेते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के परिणाम। तो उसके परिणाम क्या होते हैं, तो वो अलग अलग जो भी परिणाम है वो आपके 4 परिणाम उसके हैं, उसको आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अंतर स्पष्ट करो। तो जो बॉक्स वाले जो क्वेश्चन है ना, बॉक्स वाले उसको आप थोड़ा
थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि वो कैसे उसको लिखना बहुत आसान होता है, वन वर्ड लिखना होता है आपको, बस वो तीन चार पॉइंट याद रखना होता है जो आपको बॉक्स में भरना है, तो इसलिए उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट है अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसमें कि पक्षी वर्ग और स्तनधारी प्राणी वर्ग है, तो ये छठवें पाठ का है, तो वो अभी हमने हमने जो है नहीं लिया है इसमें, पांचवें पाठ तक ही देख रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पर ये जो दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति, तो उसको हटा दिया गया है, तो इसको अभी नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है तनाव कम करने के लिए चार उपाय स्पष्ट कीजिए, तो इसमें चार उपाय आपको स्ट्रेस के लिए, तो ये आपके आगे के चैप्टर है, आपको इसमें आपदा प्रबंधन वाले में है, तो इसलिए आपको जो है उसमें नहीं करना है इसको, मतलब आगे उस चैप्टर के, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है पांचवा सूक्ष्म जीव, जिसमें कि आपको तेल का रिसाव, ये भी सातवें चैप्टर से आपका सूक्ष्म जीव, पहचान सूक्ष्म जीव की, तो इसमें भी आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तालिका पूर्ण कीजिए, जिसमें कि ब के अंतर्गत समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रावस्थाएं पूछ रहा है, तो इसमें आपको जो है उसकी अवस्थाएं लिखनी है, जो चार पांच अवस्थाएं हैं उसको आपको लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्राणी संघ को पहचानना है, छठवें पाठ से है आपका, इस प्राणी संघ की दो विशेषताएं भी आपको लिखना है, तो पहले उसको आप नाम लिखोगे, पहचानोगे कि ये क्या है, और उसके बाद उसकी विशेषताएं लिखोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्वच्छता प्रौद्योगिकी में लिखित उपयोगी सूक्ष्म जीवों के कार्य लिखो, तो बच्चों इसमें जो है आपको ये सूक्ष्म जीव के नाम दिए गए हैं, उनके कार्य आपको यहाँ पर लिखना है, तो उसका कार्य ही सिर्फ लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं आपको इधर भरना नहीं है, सिर्फ उसके कार्य जो दिया है, तो आपको इस तरह से वो किताब में दी है, आप पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको किताब में मिल जाएंगी, तो उसके कार्य आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है संक्षेप में लिखो कि नीचे दिए गए चिन्ह क्या दर्शाते हैं, तो अभी चिन्हों के बारे में हमने बात किया, तो चिन्ह जो है वो आपको कुछ और भी बहुत सारे चिन्ह है, उनको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें से कोई भी चिन्ह आपको दो दे सकते हैं, या 3 मार्क्स के लिए अगर प्रश्न तीसरे में पूछा है तो 3 मार्क्स के लिए आपको 3 चिन्ह दे सकते हैं, तो इस तरह से ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है देखिए ये पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो उदाहरण दो, तो सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा पहुंचाने वाले जो रोग होते हैं उनका आपको उदाहरण देना है, दो रोगों के नाम बताने हैं, और तनाव को कम करने वाले जो शौक हैं, तो बहुत सारे शौक हैं उसमें से आप कोई भी दो आप बता सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अंतर स्पष्ट करो ऐप और मानव, जो अभी हमने डिस्कस किया इसमें देखा हमने। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में उपस्थित प्रथिनों के नाम लिखो, मांसपेशी और हड्डियों में कौन से प्रथिन होते हैं वो आपको नाम लिखना है सिर्फ। और फिर उसके बाद पर्यावरण संवर्धन के लिए आपके द्वारा अपनाए जाने वाले चार योजनाएं लिखिए, तो पर्यावरण संवर्धन के लिए बचाने के लिए पर्यावरण को हम क्या चार उपाय कर सकते हैं वो आपको सावधानियां वो योजनाएं लिखनी है। फिर उसके बाद चौथा है जैविक उपचार के कोई दो उदाहरण दीजिए, तो जैविक उपचार जो है आपका कोशिका के द्वारा जो उपचार किया जाता है मूल कोशिका, उसके आपको दो उदाहरण देने हैं। पांचवा है सारणी को पूर्ण करना, तो सारणी जो है ये आपको इसी तरह का आपको किताब में दिया हुआ है, तो आप वहां से आप उसको लर्न कर लीजिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए कोई भी तीन, तो इसमें अंतर स्पष्ट करो में प्रतिलेखन और भाषांतरण है, तो यहाँ पर दिया है कोई भी दो मुद्दे, तो ओके सॉरी सॉरी दो पॉइंट आपको यहाँ पर जो है दो पॉइंट आपको मेंशन करना है, तो अगर आप चार याद करते हो तो उसमें से आपको दो जो है वो आराम से कर सकते हो, दो पॉइंट लिख सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन के पहले पूर्वावस्था की किन्हीं चार अवस्थाओं के नाम लिखो, तो यहाँ पर भी आपको जो है चार अवस्था। हाँ सर, हाँ सर, बस नहीं सर, दिख रहा। हाँ नहीं दिख रहा है सर? नहीं नहीं स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैडम। अच्छा, एक मिनट, वापस से शेयर करना होगा। हाँ यस मैम। अभी दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ओके ओके, बस सर खत्म हुआ, अभी थोड़ा सा और है।
ओके okay. तो हाँ बच्चों, फिर ये इसमें जो है अंतर स्पष्ट करो में प्रतिलेखन और भाषांतरण है। इसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन के पहले पूर्वावस्था की किन्हीं चार अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो आपको चार अवस्थाएं जो है वो चार अवस्था पूर्वावस्था जो पहली जो पूर्वावस्था है उसके चार अवस्थाओं के नाम लिखना है। उसके बाद आपको ये प्रवाह तालिका दी हुई है, इसमें खतरे में आई हुई प्रजातियों के प्रकार, तो अब भी हमने जो परिभाषा में भी देखा वो आपको प्रजातियां लिखनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है संक्षेप में टिप्पणी लिखो। तो हाइड्रा में मुकुलन बहुत ही आसान है बच्चों, ये आप पढ़ रहे हो पहले से ही। तो हाइड्रा में मुकुलन जो है, और आपको ये इसमें भी है आपके प्रयोग में भी है, तो आप आराम से लिख सकते हो मुकुलन, इस पे टिप्पणी लिखो है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से दो उदाहरण दीजिए। तो सेल्फी लेने के दो दुष्प्रभाव और सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा पहुंचाने वाले घटक। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रश्न 2 ब में। तो आप इसको जो है तैयार कर सकते हो। लास्ट वाला जो है उसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें भी आपको 3 प्रश्न देखिए करना होता है, 5 प्रश्न दिए होते हैं। परिभाषा है उत्परिवर्तन और भाषांतरण। फिर उसके बाद नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बीच में अंतर स्पष्ट करो है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स लिखना है आपको। उसके बाद है नीचे दिए गए प्राणियों के नाम लिखो, तथा लिखो कि इन प्राणियों का समावेश खतरे में आई किसी किस प्रकार के प्रजातियों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये प्रजातियां दी हुई है, तो ये संकट ग्रस्त प्रजातियां हैं, धोखे में आई हुई प्रजातियां हैं, तो इसमें से ये आपको लिखना है उसके बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टिप्पणी लिखो योगर्ट का उत्पादन, तो ये आपका 7वें पाठ से है। तो ये इस प्रकार से टिप्पणी लिखो इस टॉपिक पे आ सकता है, योगर्ट का उत्पादन पे। और फिर नेक्स्ट है 5वां, चिन्हों के अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए चिन्ह का क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जा रहा है बच्चों, तो इसलिए आप चिन्हों को जो है अच्छी तरह से कीजिए, जो चिन्ह है उनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, अच्छे से उसका क्या वो चिन्ह आपको कौन से संकेत दे रहा है या उन संकेतों का अर्थ क्या है वो आपको वहां पर लिखना होता है, पहचान कर उसको उसका अर्थ लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, अभी किसी को कुछ डाउट है क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ मैडम, अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ सर, हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। अपना माइक ऑन कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। आप में से किसी को इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। बच्चों, पूछना है किसी को? नहीं सर, नो सर। ओके, ओके ठीक है बच्चों, धन्यवाद मैडम। बच्चों धन्यवाद सर। को टॉपिक समझ में आया, उनको कुछ क्वेश्चन नहीं है। हाँ धन्यवाद मैडम। ओके। थैंक यू सर।